नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप। दोस्तों आज मैं आप लोगों को निधि कंपनी के विषय में बताने जा रहा हूं। निधि कंपनी में डिपॉजिट के क्या क्या रूल्स होते हैं और जो लोन देते हैं उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यहाँ पास निधि कंपनी यूट्यूब और साथ में ऐसे इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करता हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि निधि कंपनी में डिपॉजिट के क्या क्या नियम होते हैं और लोन देने के क्या क्या नियम होते हैं और आप कितना लोन दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आप निधि कंपनी खोलते हैं तो निधि कंपनी का एक सबसे मेन रूल होता है कि आप जो भी लेन या देन करते हैं, मतलब कि डिपॉजिट लेते हैं या लोन देते हैं, तो वो आपको अपने मेंबर्स के बीच में ही आपको लेना या देना होगा। मतलब आप किसी बाहरी आदमी को लोन या डिपॉजिट ले या दे नहीं सकते, आपको पहले तो उसको अपनी कंपनी का मेंबर बनाना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी शख्स से, किसी भी पर्सन से लोन लेना या देना हो तो आपको अपनी कंपनी का एक शेयर उसको देना होगा। वो शेयर का प्राइस ₹10 से स्टार्ट होता है। तो आप उसे देख के, एक शेयर देके आप उसे अपनी कंपनी का मेंबर बना सकते हैं। तो ना दोस्तों, अब आपको डिपॉजिट के कुछ नियम है वो मैं आपके बता देना चाहता हूं। तो क्या क्या डिपॉजिट के नियम है, तो सबसे पहला है कि आपके अगर नेट ऑन फंड अगर 10 लाख है तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1:20 का रेशियो, जिसको कि आप 2 करोड़ रुपये भी बोल सकते हैं, कि उतना ही आप डिपॉजिट ले सकते हैं, माने 1:20 का ही रेशियो है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप RD मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट किसी शख्स का खोलते हैं तो उसके लिए आपको 12 महीने से 60 महीने मतलब 1 साल से 5 साल के बीच का ही आप RD ले सकते हैं। नाउ तीसरा नियम है कि अगर आप किसी का सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो सेविंग अकाउंट में कोई भी आदमी अगर निधि कंपनी में सेविंग अकाउंट खोलता है तो 1 लाख से ज़्यादा उसमें आप उसको रखने नहीं दे सकते, मतलब 1 लाख से ज़्यादा रखने का नियम नहीं है अगर कोई भी सेविंग अकाउंट निधि कंपनी में खोलता है। और अब आते हैं दोस्त हम लोग यहाँ इंटरेस्ट के विषय में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो दोस्तों इसमें जो नियम है, नियम ये है कि आप जो भी नेशनलाइज बैंक है उससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट माने देना है तो आप 2% से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते। 2% से मतलब नेशनलाइज बैंक अगर मान लीजिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 7% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट सामने वाले को आप दे सकते, अपने कस्टमर को दे सकते, अपने मेंबर को दे सकते, आप 9% नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आप 2% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। ना इसमें और एक नियम है FD और RD के विषय में, तो अगर आपको अगर जो RBI ने फिक्स किया है, मतलब कि RBI ने अगर मान लीजिए फिक्स किया है 9% FD का रेट है, तो आप 9% से ज़्यादा मतलब नहीं दे सकते किसी को भी इंटरेस्ट अपने डिपॉजिट पे। तो दोस्तों ये कुछ नियम है जो कि डिपॉजिट को रिलेटेड है, कि पहला तो आपको मेंबर बनाना है चाहे आप डिपॉजिट ले या चाहे उसको लोन दे। सेकेंड, 1:20 का रेशियो नेट ऑन फंड अगर आपकी 10 मान लीजिए 10 लाख है तो आप 2 करोड़ रुपये ही मतलब टोटल डिपॉजिट ले सकते हैं ना। और तीसरा नियम ये है कि आरडी के जो टाइम पीरियड है वो 12 महीना से 60 महीना मतलब कि 1 साल से 5 साल तक का हो सकता है, और आपको इसमें मैक्सिमम जो बैलेंस है किसी के भी सेविंग अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2% ज़्यादा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने मेंबर को दे सकते हैं, और जो RBI की गाइडलाइन है, RBI ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किए हैं उससे आप ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये दोस्तों डिपॉजिट को लेकर नियम हुआ। और नाम मैं अभी आपको बताता हूँ कि लोन को लेकर क्या नियम कानून है। तो लोन के लिए भी पहला नियम तो वही है कि उसको जो भी है वो आपकी कंपनी का मेंबर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि लोन आप कितना दे सकते हैं, ये सवाल काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि लोन आप कितना दे सकते हैं। दोस्तों ये सवाल मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप किसी को भी लोन देते हो तो उसका एक अलग अलग है। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लोन में ले सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी नेशनलाइज बैंक जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ले रही है उससे आप 7.5% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया है, मतलब कि 7.5% आपका मार्जिन होता है निधि कंपनी का, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा ले सकती है। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कंपनी का नेट ऑन फंड 10 लाख है, और 10 लाख मतलब आप 2 करोड़ का डिपॉजिट ले सकते हैं, तो उसमें आप कितना
कितना मतलब आप कितना लोन आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब अगर 2 करोड़ का आपका है टोटल, तो आप उसमें 2 लाख से ज़्यादा किसी को पर्सनली एक बार में लोन नहीं दे सकते। नाउ अगर आपका मान लीजिए कि 2 करोड़ से अगर आपका 20 करोड़ तक का मतलब डिपॉजिट है, तो आप 7.5 लाख रुपये मैक्सिमम किसी को लोन दे सकते हैं सिंगल पर्सन को। और अगर 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का आपका बिजनेस है, तो आपका 12 लाख तक मैक्सिमम किसी बंदे को लोन दे सकते हैं। और अगर आपको 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस है, तो आप किसी बंदे को 15 लाख तक का मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये है, और साथ में मैं ये आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि इन तीनों क्राइटेरिया चारों क्राइटेरिया भी आपसे मतलब जैसे फुलफिल नहीं है, इसमें क्या बताया गया कि आप किसी को भी जो भी ताज़ा लोन है 15% से ज़्यादा जो है नेट डिपॉजिट से 15% ज़्यादा आप किसी बंदे को लोन सेंशन नहीं कर सकते अगर आपकी कंपनी ने 3 साल तक कोई कंजिक्यूटिव 3 साल तक कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया हो। तो दोस्तों ये तो चीज़ था। और इसमें आपको एक नियम और है कि आप कोई भी आदमी अगर मान लीजिए किसी मेंबर ने लोन नहीं चुकाया, तो आप उसको दोबारा लोन नहीं दे सकते बिना लोन चुकाए। तो दोस्तों ये डिपॉजिट को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो मैंने आज आपसे शेयर की, काफ़ी लोगों के सवाल आया था। दोस्तों मुझे एक बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने आप लोगों को फ़ोन नंबर दिया इसलिए दिया ताकि आप लोगों की मदद कर सको, बहुत लोग इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा अगर कर रहे हैं तो काफ़ी गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना भी समय बेकार कर रहे हैं और मैं भी। तो खैर छोड़िए, जिसको ये वीडियो काम में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा ताकि आपकी लाइफ में जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए निधि कंपनी के रूल्स कानून को लेके, और एक नए जो है यूट्यूब इन्फॉर्मेशन को लेके, और एक आपकी लाइफ में एक नई जानकारी लेके। चलिए दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।